नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आरपीसी ने अभी अपडेट दिया है और एक प्रेस नोट जारी किया है रिजल्ट का, और 26 जुलाई की आज ताज़ा अपडेट है। सेकंड ग्रेड को काफ़ी दिनों के बाद खुशखबरी मिल गई है, ये आप देख सकते हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 26/7/2020 आज की अभी लेटेस्ट SBC याचिका संख्या लल्लू राम जाट बनाम राज्य एवं अन्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करके आज रिजल्ट भूतपूर्व जो सैनिकों के रोके गए पदों पर परिणाम घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये देख सकते हो TSP क्षेत्र हेतु भूतपूर्व सैनिक के वर्ग सफल अभ्यर्थी कितने हैं और नॉन TSP के ये रिजल्ट आप देख सकते हो। और इसी के साथ क्या इनकी कट ऑफ रही है, कट ऑफ इनकी शानदार ही है, आप देख सकते हो 29.13/1500 में से जो सब्जेक्ट का पेपर होता है 150-300 और GK का पेपर होता है 100-200, 500 में से 129 नंबर लाने वाले का TSP क्षेत्र में सिलेक्शन हो गया है और नॉन TSP क्षेत्र में 143.91 का सिलेक्शन हो गया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगातार जो भी भूतपूर्व सैनिक थे वो परेशान हो रहे थे, इनकी ये कट ऑफ रह गई है। इनको बहुत बहुत जिनका सिलेक्शन हुआ है, बहुत बहुत जिनको बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं, जल्दी इनको भी ज्वाइनिंग इनके साथ ही मिलेगी। और अब मैं बात करूंगा सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड की जो खबर है, TSP अभ्यर्थी को जनरल से ज़्यादा अंक लाना पड़ा भारी, गृह जिले से बाहर कर दी पोस्टिंग। इनका जो एक सरकार अपनी गलती खुद सुधारे, इस पर याचिकाकर्ता ने कहा है कि सरकार अपनी गलती खुद सुधारे, वह मेरिट में सबसे कम अंक लाने वाले को TSP क्षेत्र से हटाया जाए, वह याचिकाकर्ता यदि फिर भी नहीं हो सके तो कोर्ट के आदेश के तहत शनिवार को होने वाली काउंसलिंग में शिरकत करने के निर्देश दिए जाए ताकि याचिकाकर्ता हो कि शिकायत भी निवारण हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें जो अच्छे नंबर लाने वाले TSP के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है कि जो TSP क्षेत्र में अच्छे नंबर लाता है उसको गृह जिले से बाहर कर दी जाती है पोस्टिंग। इस प्रकार ये जोधपुर हाईकोर्ट का पूरा मामला है। और इसी के साथ एक खबर, शिक्षक भर्ती ग्रेड 2016 का जो मामला है, आवंटित स्थान पर ज्वाइनिंग का दबाव डालने अथवा रिलीव करने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। ऐतिहासिक फैसला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये सारा प्रकरण कोर्ट की पालना के लिए हुआ है, लेकिन इसमें एक विशेष कैटेगरी जो डिवोर्स और जो विडो कैटेगरी या विकलांग, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इनको जो मंडल था उनका चेंज हो गया है और इसको लेकर ये कोर्ट गए थे और कोर्ट ने मंडल परिवर्तन को काउंसलिंग को मामले को लेकर एक बार याचिका को 30 जुलाई का जवाब तलब किया जाएगा। ये आदेश न्यायाधीश दिनेश मेहता ने लक्ष्मी व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर करीब 15 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई में जारी किया गया है। इन्होंने कहा है कि इसमें याचिकाकर्ता की क्या गलती है। जब 2 साल पहले जब इनका मंडल आवंटन हुआ था और इन्होंने ज्वाइनिंग की थी और लगातार ये नौकरी वहाँ कर रहे हैं और कैटेगरी सर्वाधिक प्रभावित हुई है, तो इनकी सरकार को सुननी चाहिए, इनको वहीं पर रखना चाहिए। इस पैरवी में सरकार ने अब 30 जुलाई 2020 को फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन ये आप देख सकते हो वरिष्ठ जो शिक्षा समाचार है, राजस्थान समाचार, इन्होंने पहले अपडेट दे दी थी कि जो मंडल आवंटन हुआ है वो गलत, क्योंकि जो कैटेगरी है इस उनका क्या दोष है और इनको वहीं पर रखना चाहिए इस प्रकार की। और ऐसा लग रहा है कि जब कोर्ट की पालना में ये कार्य हुआ है और कोर्ट ने एक बार आदेशों तक इनको रिलीव नहीं करे और बाध्य नहीं करे ऐसी फैसला दिया है, तो सरकार और कोर्ट अगला फैसला इनके फेवर में दे सकता है क्योंकि विशेष कैटेगरी की इसमें कोई गलती नहीं। इसी के साथ हम वीडियो से विदा ले रहे हैं, मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।